हिंदू, मेरा नाम है दोस्तों कुश पांडे और आप देख रहे हैं द डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। आगे बढ़ने से पहले का इस सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? इज़ माई वॉइस ऑडिबल टू एवरीवन? प्लीज़ गिव मी अ कमेंट सेक्शन में, यस सर यस सर यस सर, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। सो गाइस वेलकम बैक, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस डिस्कशन में। गाइस आज का डेट है आपका 23rd of September एंड वी आर डिस्कसिंग द 23rd of September करंट अफेयर्स एनालिसिस। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे द हिंदू और बाकी सोर्सेज को, और आज हम डिस्कस करेंगे अराउंड 16 हेडलाइंस जो कि हम आज पूरी तरीके से कवर दोस्तों करेंगे। तो आपका दोस्तों स्वागत है इस सेशन के अंदर। नमस्कार, मेरा नाम है सुपर बाबा कुश सर। और सबसे पहले गाइस इंपॉर्टेंट अपडेट, there are two sessions that happen on a daily basis. One happens Monday to Saturday 8 AM पे, दूसरा होता है आपका Monday to Friday 4 PM पे। दोनों सेशंस को देखना ज़रूरी है बिकॉज कंप्लीट एनालिसिस आपको मिलेगा। अगर आपसे कोई कहता है कि सर कंप्लीट तो मैं एक में कराता हूँ, ऐसा इम्पॉसिबल है। एक घंटे में एक दिन की सारी खबरें कंप्लीट करना नामुमकिन है, इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल। सो गाइज डू नॉट फॉरगेट टू मिस आउट ऑन द 8 AM सेशन जो कि अभी आप देख रहे हो, और इसके बाद 4 PM देख रहे हो। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो, चाहे ग्रिडअप की ऐप पर देख रहे हो, SSC पे देख रहे हो, बैंक पे, डिफेंस पे, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट गाइज, please do not forget to subscribe the channel and please open the subscription the reminder button, to jaake aapko yahan par fayda ho jayega. wo garam ho lagti chali chal 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 chaliye to start karte hain this discussion guys, let's start the discussion. everyone happy birthday surbhi, hamara ek regular viewer, unka aaj birthday hai, to happy birthday surbhi guys, surbhi. chaliye गाइस आगे बढ़ने से पहले आज आपके लिए एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ ये है गाइस कि आज हमारे विनर अनाउंस होंगे, एंड आज के जो टेलीग्राम के करंट अफेयर्स क्विज के विनर हैं उनका नाम है अनूप कुमार। कंग्रेचुलेशन अनूप कुमार, यू हैव बीन गिवन अ ग्रेड अप सुपर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द ग्रेड अप कम्युनिटी, एंड आप फ्री में इस सब्सक्रिप्शन को दोस्तों पा सकते हैं। सो अनूप कुमार कंग्रेचुलेशन। आपको मेरे को ईमेल करना है kush.pandey@gradeup.co पे अपना नेम, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल आईडी, ताकि हम आपको सब्सक्रिप्शन दे पाएँ। सो अनूप कुमार कंग्रेचुलेशन, आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़े हैं, एंड कंग्रेचुलेशन अगैन फॉर दिस पर्टिकुलर विन। बाकी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, ये है हमारा टेलीग्राम का चैनल गाइस, इसको फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा बिकॉज ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। आज के हमारे जो चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस हैं, जिन्होंने हमारा होमवर्क में सबसे अधिक क्वेश्चंस किए हैं, सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस किए हैं सबसे मिनिमम टाइम में, उनका नाम दोस्तों है दैट इज़ मिली अग्निहोत्री। कंग्रेचुलेशंस मिली, आप जीत रही हैं हमारा चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस का खिताब। बाकी ये रहा वो लिंक, ताकि आपको वो लिंक मिल सके। ऑलराइट, एंड दिस इज़ द लिंक फॉर एवरीवन सो दैट दे कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। सो कंग्रेचुलेशंस मिली अगैन फॉर दिस पर्टिकुलर विन गाइस। चलिए बाकी जो हमारे टॉप 4 विनर्स हैं उसमें फैज़, शैलेश, पीयूष, तानिया एंड अस्मिता है। कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल अगैन, यू ऑल आर चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड ले चलते हैं आज के डिस्कशन पे। तो माय लगान आर्मी, मेरे रेगुलर व्यूअर्स, क्या आप तैयार हैं? गिव मी अ लव साइन गाइस इन द कमेंट सेक्शन। एंड मैं पहली बार बोलूँगा, अभी अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं शेयर किया है, शेयर कर दीजिए अलग अलग टेलीग्राम चैनल पर, ताकि सबको पता चल जाए कि द डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस बाय सुपर बाबा श्री श्री 1008 कुछ सर हैज स्टार्टेड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइस, एंड ले चलते हैं आपको हमारे पहले क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज हाइक इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ वीट अनाउंस रिसेंटली? वीट का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसका कितना परसेंटेज हाइक अभी सरकार ने किया है? 2.5, 2.6, 4.6, 5.1 या फिर आपका 4.4%? इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ 2.6% पे उन्होंने जो मिनिमम हाइक है वो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने किया है। दैट इज़ एब्सोल्युटली गाइस द करेक्ट आंसर, ये बिल्कुल यहाँ पर आपका सही सही जवाब है। यहाँ पर मेरा सवाल आपसे बनेगा गाइस कि अभी हाल ही में 10,000 रुपये पर एकड़ का सपोर्ट देने की बात की गई है, और सेकंड 13,000 रुपये पर एकड़ सपोर्ट करने की बात की गई है अंडर दी राजीव गांधी किसान न्याय योजना। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज़ दैट ये कौन से स्टेट में है, दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकेंड क्वेश्चन मेरा आपसे दोस्तों जो है दैट इज़ ये 10,000 रुपये एकड़ किसके लिए है और 13,000 रुपये एकड़ किसके लिए है? तो सेकेंड का आंसर जो है दैट इज़ वो आपका राइस और
शुगर केन के लिए, राइस और मेज़ के लिए है, माफ़ करिएगा। एंड ये जो 13,000 रुपये पर एकड़ है ये आपका शुगर केन के लिए है। कौन से स्टेट में है आपका ये? स्टेट आपका जो है दैट इज़ छत्तीसगढ़। अनाउंस कब हुआ आपका ये? अनाउंस हुआ आपका 21 मई को। ऐसा क्या था 21 मई को? 21 मई गाइस इज़ दी डेथ एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर राजीव गांधी। उनकी ये डेथ एनिवर्सरी आपकी मनाई जाती है, याद रहेगा सबको, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। द MSP रेट्स हैव बीन हाइक्ड फॉर हाउ मेनी क्रॉप्स इंक्लूडिंग विंटर क्रॉप्स। टोटल कितने क्रॉप्स के लिए आपका MSP जो है उसको हाइक किया गया है? 3, 4, 5, 6 या फिर आपका 7? फटाफट बताइएगा मेरे को कितने आपके वो MSPs हैं। आपका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर आपके सामने है दैट इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ 6 आपके ऐसे क्रॉप्स हैं जिनके प्राइस को MSP को हाइक किया गया है। इनमें आपका राइस है, इनमें आपके कई और क्रॉप्स हैं जिनको इनमें ऐड किया गया। सो ओवरऑल 6 क्रॉप को आपको हाइक किया गया है। यहाँ पर मेरा पहला सवाल आपसे बनेगा गाइस, बहुत ही आसान सवाल है आपसे, दैट किस पर्टिकुलर स्टेट में, क्योंकि सवाल एग्रीकल्चर का है, एरियल सीडिंग आपकी स्टार्ट की गई है। इन विच स्टेट एरियल सीडिंग ऑफ द अरावलीस ये स्टार्ट किया गया है, ये पहला सवाल है। इसका आंसर है आपका हरियाणा। ये सवाल मेरे सिर्फ जो रेगुलर व्यूवर्स हैं जो इस शो को सुपर हिट बनाते हैं सिर्फ वही कर पाएंगे। बाकी जो कैजुअल हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे को एक फीक दीजिए एंड यू विल बिकम अ मास्टर ब्लास्टर। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, कौन सा स्टेट है जहाँ पर एक कैनबीस सेंटर आपका बनाया जा रहा है सरकार द्वारा? उस स्टेट या उस यूनियन टेरिटरी का नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों आपका जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, करीब 12 आपके अर्बन फॉरेस्ट कौन से स्टेट या कौन से यूनियन टेरिटरी ने हाल ही में बनाए हैं आपके? इट इज़ अंडर द अर्बन वन प्रोजेक्ट। द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज़ द स्टेट द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, कौन सा वो आपका दोस्तों एक कौन सा दो दोस्तों आपका वो एक स्टेट है जहां पर कि NIV अपना नया लैब ओपन करेगा? व्हाट इज़ दैट स्टेट गाइस? द आंसर इज इट इज़ पंजाब। पंजाब में वो अपना नया लैब ओपन करने वाला है, दैट इज़ एब्सोल्युटली गाइस द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पुलिस सेवा ऐप विल प्रोवाइड 87 सर्विसेज ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इनमें से वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर पुलिस को दोस्तों प्रोवाइड की जाएगी आपकी 87 सर्विसेज? बेसिकली ये इस ऐप का नाम है पुलिस सेवा ऐप, ये कौन से स्टेट में आपकी लॉन्च हुई है? एंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज इट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ आंध्र प्रदेश। आइए ज़रा डिस्कस कर लेते हैं स्टेट क्विज, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 गाइज, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना एंड मुख्यमंत्री सहाय योजना ये आपकी कौन से स्टेट में है? आई अगेन रिपीट, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना एंड मुख्यमंत्री सहाय योजना, इसका आंसर है आपका गुजरात। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, इनमें से किस स्टेट में आपका महाजॉब्स पोर्टल को लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है आपका महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग कहाँ पर आपका सदर्न नेवल कमांड है इंडियन नेवी का? ये सवाल है 1.5 मार्क्स का, ये सवाल है अलगेन रिपीट 1.5 मार्क्स का। वेयर इज़ द सदर्न नेवल कमांड जहाँ से पहली दो वुमन एयर टैक्टिशियंस को अभी हाल ही में पास आउट की है? इसका आंसर है आपका केरला कोची में आपका ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइज, तेलिया रुमाल इज़ द GI टैग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो तेलिया रुमाल जो GI टैग है दैट इज द GI टैग गाइस ऑफ तेलंगाना। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन द बिकम द फर्स्ट वुमन एयरबोर्न टैक्टिशियंस इन द कंट्री हु विल बी ऑपरेट फ्रॉम द डेक ऑफ वॉरशिप्स? इनमें से भारत की पहली महिला एयरबोर्न टेक्नीशियन कौन है जो कि कंट्री के लिए ऑपरेट करेंगी वॉरशिप्स के डेक से? कुमुदनी त्यागी, रीति सिंह, अफनान शेख, करिश्मा आर या फिर AMB? उनका नाम है सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी एंड सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह, ये पहली महिला है। अब तक ये जो आपका कम्बैटेंट्स का रोल है ये रोल आपका सिर्फ पुरुषों को था, बट नाउ दिस पर्टिकुलर रोल हैज़ ऑल्सो बीन गिवन टू वुमन। कई लोग कह रहे हैं सर इसका हिंदी कर दे, मैं कर दूंगा, कभी कभी समय नहीं मिलता है, पर कल से इसका हिंदी मिल जाएगा। पर अभी फिलहाल के लिए इंजॉय कीजिए और मैं डिस्कस दोनों में करता हूँ, इंग्लिश में भी एंड मैं हिंदी में डिस्कस करता हूँ। सो देर इज़ नो इशूज़, ये एक पैन इंडिया शो है जहाँ पर सदर्न पीपल एंड द नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न पीपल, वेस्टर्न सेंट्रल पीपल, हर कोई कैन इंजॉय द शो। इट इज़ अ बायलिंगुअल शो गाइस। ऑलराइट, चलिए
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. अकॉर्डिंग टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिल, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट डिफॉल्टिंग कंपनीज विल नॉट बी इनिशिएटेड फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 25 से अगर हम स्टार्ट करें तो जो ये नया एक कोड आया है जो एक आपका एक्ट पास किया है, कितने महीनों तक उन पर डिफॉल्टिंग कंपनीज के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा. इसका कारण ऑफ कोर्स है आपका बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक दैट इज द कोविड-19. तो 3, 6, 9, 12 या 18, इसका आंसर है आपका 6. आपका जो है उन पे 6 मंथ तक इस पे एक्शन आपका नहीं लिया जाएगा. सवाल मेरा पहला बनेगा गाइज, हु इज़ द हेड ऑफ द IBBI? इनमें से IBBI के हेड कौन है? Question 1. Question 2 गाइज, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द MPC? MPC में आपके कितने मेंबर्स हैं? Question 3, क्योंकि हम इंसॉल्वेंसी की बात कर, मैंने कल डिस्कस भी किया था, मिनिमम कितने डेज में या मैक्सिमम कितने डेज में अ कंपनी शुड बी इंसॉल्वेंट एज पर द IBBI, और मैक्सिमम कितने डेज में अ स्टार्टअप शुड बी इंसॉल्वेंट एज पर द IBBI. देखिए सवाल ये एग्जाम लेवल के हैं. पहले का आंसर है आपका श्री MS साहू, ठीक है. सेकेंड का आंसर है देर आर 6 मेंबर्स इन द मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी. थर्ड का आंसर जो है दैट इज 180 डेज, एंड स्टार्टअप के लिए आंसर जो है दैट इज 90 डेज. याद रहेगा सबको, कतरा कतरा क्लियर हो रहा है सबको? एक बार जरा कमेंट कर दीजिएगा यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो कि आप सबने नोट कर लिया है, ठीक है. क्या बात है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं. इंडिया शैल होल्ड अ वर्चुअल समिट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन September 26. इस महीने का 26 सितंबर को भारत इनमें से किस देश के साथ एक वर्चुअल डिजिटल समिट आपका करेगा? भूटान, इंडोनेशिया, UK, श्रीलंका या फिर आपका मालदीव्स? इसका आंसर है आपका Option D, दैट इज श्रीलंका. चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं. आउट ऑफ द फॉलोइंग गाइज, सैंगटेंग, और मैं नाम शायद गलत बता रहा हूँ, सैंगटेंग या सैंगटेक, आपका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन से कंट्री में है? इसका आंसर है आपका भूटान. Question 2 guys, out of the following option, by 2050 all transatlantic flights will be carbon neutral. इसका ऐलान किसने किया है? कौन सा वो कंट्री है जिसने कहा है कि 2050 तक उसकी जितनी भी आपकी फ्लाइट्स हैं वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगी? इसका आंसर है आपका UK. Question 3 guys, Mount Sinbog which is a volcano has erupted in which of the following countries? इनमें से किस कंट्री में Mount Sinbog एक volcano है जो कि erupt हुआ है? इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज Option B, दैट इज इंडोनेशिया. Question 4 गाइज, इंडिया ने अभी हाल ही में इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए किसके साथ आपका दोस्तों जो है वो अग्रीमेंट किया है? तो इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के लिए जो अग्रीमेंट हुआ है दैट अग्रीमेंट हैज़ बीन डन विद मालदीव्स, उसके साथ ये अग्रीमेंट आपका किया गया है. क्या बात है गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. विच कंट्री शैल प्रोवाइड अ 40-year सॉफ्ट लोन विद 0.1% इंटरेस्ट रेट टू श्रीलंका फॉर द ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट? कौन सा वो देश है जिसने 40 साल का एक सॉफ्ट लोन देने की बात कही थी 0.1% इंटरेस्ट रेट पर फॉर श्रीलंकाज ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट, जिसमें आपका इंडिया भी एक मेंबर है? इज इट रशिया, इज इट चाइना, इज इट UK, इज इट जापान और इज इट जर्मनी? इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज Option D, दैट इज आपका जापान. जापान इसका दोस्तों जो है वो बिल्कुल सही जवाब है. Question 1 पे आते हैं गाइज. आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, कवकास 2020 विच इज अ डिफेंस एक्सरसाइज टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो ये कवकास आपका जो है ये आपका रशिया में हो रहा है. Question 2 गाइज, वेयर विल द एशियन यूथ गेम्स बेसिकली टेक प्लेस? इनमें से कहाँ पर आपके एशियन यूथ गेम्स होंगे? उसका आंसर है आपका चाइना. अगर यहीं पर आप ऐड कर दो एशियन यूथ पैरा गेम्स तो एशियन यूथ पैरा गेम्स आपके बहरीन में होंगे, और अगर हम सिर्फ बात करें एशियन पैरा गेम्स के तो वो भी आपके चाइना में फिर से दोस्तों जो हैं वो कराए जाएंगे, ठीक है. वो इसका दोस्तों बिल्कुल जो है आपका सही जवाब है. Question 3 गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग, गावी समिट का होस्ट इनमें से कौन सा देश था? इनमें से कौन सा देश था जो गावी समिट का आपका होस्ट था? तो उसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज आपका Option C, इट इज UK. UK आपका होस्ट था गावी समिट का. Question 4 गाइज, सेंट पीटर्सबर्ग समिट, बहुत ही आसान सवाल है. सेंट पीटर्सबर्ग समिट जो है इसका होस्ट कौन है? गाइज क्या आज आवाज़ आपको अच्छी लग रही है? सेंट पीटर्सबर्ग समिट का जो होस्ट है वो आपका दोस्तों है जर्मनी. जर्मनी इसलिए भी न्यूज़ में था बिकॉज अलॉन्ग साइड कोलम्बिया ये आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का भी आपका होस्ट था 5 जून को.
क्या आवाज़ परफेक्ट लग रही है गाइस? अब तो कोई नहीं कहेगा साउंड कम है, साउंड बेकार है, एक बार ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। यस सर, यस सर, यस सर। नया हेडफोन है, महंगा हेडफोन है, आपके लिए स्पेशल आया गया है। अब तो भाई 1000+ करवा दो शो के अंदर, फटाफट शेयर करो वीडियो को गाइस, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, और कल से इसका हिंदी भी आपको मिल जाएगा। ऑल राइट, यस, तो फटाफट कीप ऑन शेयरिंग द वीडियो। आगे बढ़ते हैं। विच बैंक हैज़ रोल्ड आउट अ फैसिलिटी ऑन इट्स वेबसाइट फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ COVID-19 लोन्स, वेदर इट इज़ होम, ऑटो, पर्सनल और एजुकेशन लोन? कौन सा वो दोस्तों आपका बैंक है जिसने की एक फैसिलिटी लॉन्च की है ताकि COVID-19 के लोन्स को आप वेबसाइट पे जाके रिस्ट्रक्चर और चेक कर सको? PNB, IndusInd, SBI, ICICI, HDFC बैंक। इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज आपका ऑप्शन सी, दैट इज आपका SBI। क्वेश्चन नंबर मेरा आपसे यहाँ पर है, डिजिटल अपनाए अभियान इनमें से कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? आई गैन रिपीट, डिजिटल अपनाए अभियान जो है वो इनमें से किस स्टेट ने दोस्तों आपका लॉन्च किया है डिजिटल अपनाए? उसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज आपका PNB। PNB ने इस अभियान को दोस्तों जो है वो लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का इज, आउट ऑफ द फॉलोइंग लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, ये फैसिलिटी इनमें से किस बैंक ने लॉन्च की है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज ICICI बैंक। क्वेश्चन नंबर 3 का इज, आउट ऑफ द फॉलोइंग योनो ऐप का संबंध इनमें से किस बैंक के साथ है? तो योनो ऐप का संबंध जो है वो आपका SBI के साथ है। क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग गाइस, विच बैंक वॉज अवार्डेड द बेस्ट डोमेस्टिक बैंक बाय एक यूरो मनी मैगजीन, और इसके CEO को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी हाल ही में सेम मैगजीन ने दिया है? उसका आंसर है आपका HDFC बैंक। एंड क्वेश्चन नंबर 5 गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइस, इंस्टेंट करंट अकाउंट अपनी कॉर्पोरेट ऐप पे ओपन करने वाला इनमें से कौन सा बैंक है विच हैज अलाउड इंस्टेंट करंट अकाउंट? तो उसका आंसर है आपका IndusInd। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which country will set up a national commission to promote patriotic education? इनमें से दोस्तों वो आपका कौन सा देश है जो कि एक national patriotic commission को, जिसका नाम है 1776 commission, उसको आपका सेटअप करेगा? USA, UK, इंडिया, टर्की या फिर आपका none of these? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि इसको दोस्तों सेटअप आपका करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 गाइज, हेगिया सोफिया म्यूजियम और मॉस्क इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 गाइज, वेयर विल यू फाइंड द बिग बेन? बिग बेन को आप इनमें से कहाँ पर पाएंगे? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइज, विच इज द को होस्ट ऑफ द सेंट पीटर्सबर्ग समिट विद जर्मनी? जर्मनी के साथ इनमें से कौन आपका एक को होस्ट है? उसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 4 गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइज, रैवन मिलिट्री इक्विपमेंट, रैवन नाम है इसका, ये मिलिट्री इक्विपमेंट इंडिया को कौन प्रोवाइड करेगा? तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन 4, दैट इज USA। क्वेश्चन 5, रिसेंटली विच 2+2 डायलॉग विद विच कंट्री विल टेक प्लेस विद इंडिया? भारत और इनमें से किस देश के बीच हाल ही में अक्टूबर में आपका एक 2+2 डायलॉग होने वाला है? तो उसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज द USA। कतरा कतरा समझ में आ रहा है सबको ना, शो का टेम्पो बढ़िया है ना? बिकॉज गाइज पिछले कुछ समय से लोग आप लोग कमेंट कर रहे हो, आई होप साउंड वीडियो एंड पूरा एनवायरमेंट आपको पसंद आ रहा होगा। क्या बात है गाइज, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट कैरियर शैल बी ब्रोकन एट अलांग इन गुजरात एंड सोल्ड एज स्क्रैप? इनमें से वो कौन सा आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे अलांग गुजरात में ले जाया जा रहा है, जहां पर उसे तोड़ा जाएगा और उसे स्क्रैप के तौर पर बेचा जाएगा? उसका नाम दोस्तों है आपका INS विराट, ये आपका सेकेंड है आपका INS विक्रांत, और इसको इस बार आपका तोड़ा जा रहा है। यस, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शैल सेटअप इंडियाज बिगेस्ट फिल्म सिटी? इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने कहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो फिल्म शहर है, फिल्म सिटी के सेंटर है, वो यहाँ पर बनेगा? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, UP, MP? एंड द आंसर इज, इट इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। कहाँ पर बनेगा गाइस, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका? तो डिस्ट्रिक्ट है आपका गौतम बुद्ध नगर या द ग्रेटर नोएडा डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइस, वेयर डिड द डिफेंस एक्सपो बेसिकली टेक प्लेस? डिफेंस एक्सपो भी आपका कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ था। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइस, मांडू फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? मांडू फेस्टिवल का संबंध इनमें से दोस्तों किससे है? उसका आंसर है आपका ऑप्शन ई, दैट इज मध्य प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर फोर गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइज, दी मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम, मैं बहुत ही सिंपल से बात पूछ रहा हूँ, ये मेरे डिफेंस के बच्चे, UPSC के बच्चे, PSC के बच्चे और बैंक के बच्चे के लिए है, SSC में भी आता है आपका ये. इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज तमिलनाडु. एंड क्वेश्चन नंबर फाइव गाइज, शिवालिक फॉरेस्ट आर इन विच, सॉरी नॉट शिवालिक, आर ए फॉरेस्ट आर इन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, आर ए फॉरेस्ट इनमें से किस पर्टिकुलर स्टेट में है, तो आपके आर ए फॉरेस्ट जो है वो आपके महाराष्ट्र में है. PM laid down the foundation stone of 9 highway projects in which of the following state? इनमें से किस particular राज्य में 14,500 crore के करीब के 9 high projects को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने दोस्तों हामी भरी है, UP, झारखंड, बिहार, MP या फिर आपका छत्तीसगढ़. तो गाइज जिया हो बिहार के लाला, जिया हो हजार, बिल्कुल सही. द आंसर इज इट इज ऑप्शन सी, दैट इज बिहार. क्वेश्चन नंबर टू गाइज, आसान सवाल है, सवाल में 10 बार पूछ चुका हूँ फिर भी कह लो गलत बताते हैं. विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू लोगो, इनमें से कौन सा स्टेट ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है. तो गाइज उस स्टेट का जो नाम है, द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट इज, इट इज ऑप्शन बी जो कि है आपका झारखंड. क्वेश्चन नंबर टू गाइज, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व इनमें से किस स्टेट में है. उसका आंसर है आपका छत्तीसगढ़. मैक्सिमम टाइगर्स आपके इनमें से किस स्टेट में पाए जाते हैं, मैक्सिमम टाइगर्स, तो वो पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में. क्वेश्चन नंबर फोर गाइज, गोरखपुर टेराकोटा इज अ GI टैग इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. गोरखपुर टेराकोटा, ये मेरा गाइज ननिहाल है, मतलब मेरे दो ननिहाल है, एक गोरखपुर है और दूसरा मेरे दरभंगा है, ठीक है. तो गोरखपुर टेराकोटा कहाँ पर है, इसका आंसर है आपका इट्स इन UP, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्क्रीन पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि टोटल 9 प्रोजेक्ट्स के लिए आपका 14,528 crore का एक खर्चा है. इसमें आपके 6 lane हाईवेज हैं और 3 bridges हैं. इसके साथ ही इसी दिन मिस्टर मोदी ऑल्सो लॉन्च्ड द हर गांव ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट, उन्होंने इसी दिन ये प्रोजेक्ट को भी आपका लॉन्च किया था. इंडिया हैज डिलीवर्ड 2 मॉडर्न डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन टू विच कंट्री. इंडिया ने यहाँ पर 2 मॉडर्न डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन्स को डिलीवर किया है. किस कंट्री को, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल या फिर पाकिस्तान. द आंसर इज इट्स ऑप्शन डी, इट इज़ नेपाल, जिसको कि उन्होंने ये इतना आपका जो इलेक्ट्रिक यूनिट है वो दिए हैं. क्वेश्चन वन यहाँ पर बनेगा गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग, अब्दुल्ला अब्दुल्ला इज द हेड ऑफ द नेशनल रिकन्सिलिएशन काउंसिल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से किस देश के नेशनल रिकन्सिलिएशन काउंसिल के हेड हैं आपके अब्दुल्ला अब्दुल्ला. इसका आंसर है अफगानिस्तान. क्वेश्चन नंबर टू, लोया जोरबा इज अ कंसल्टेशन काउंसिल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. लोया जोरबा इनमें से किससे संबंधित है, उसका आंसर भी आपका जो है दैट इज अफगानिस्तान. क्वेश्चन नंबर थ्री, नल्ट्रम इज द करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. नल्ट्रम इनमें से किसकी करेंसी है, वो करेंसी है आपकी भूटान की. क्वेश्चन नंबर फोर, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइज, गौरी मिसाइल्स आर कंसर्न विद विच कंट्री. तो गौरी मिसाइल्स या फिर आपका RAD-2 मिसाइल जो कि अभी हाल ही में आपकी लॉन्च हुई है, ये दोनों ही मिसाइल्स कंसर्न है आपकी पाकिस्तान से. एंड क्वेश्चन नंबर फाइव, इंडिया ने $400 million का करेंसी स्वैप अग्रीमेंट इनमें से किसके साथ किया है, उसका आंसर है आपका श्रीलंका. चलिए आगे बढ़ते हैं. स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये जो आपका ट्रेन्स हैं, दीज ट्रेन्स विल रन फ्रॉम द बिहार रीजन टू द नेपाल रीजन, फ्रॉम जयनगर टू कुर्था लाइन. और इन ट्रेन्स को मैन्युफैक्चर किया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, अगेन रिपीट, इंटीग्रल सी कोच एफ फैक्ट्री चेन्नई ने, उन्होंने इसको दोस्तों मैन्युफैक्चर आपका किया है, याद रहेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. द इंटरनेशनल रेड पांडा डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स. इनमें से किस दिन आपका अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस जो है उसको दोस्तों हम मनाते हैं, इसको किसको मनाते हैं गाइस, ये मेरा सवाल आपसे है, ठीक है, फटाफट बताइएगा मेरे को जल्दी से किसको मनाते हैं, ठीक है. एंड ये आपका जो आंसर दोस्तों है, द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, इट इज़ बिल्कुल सही, द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, यस,
The answer of this particular question, guys, is it is आपका option C, that is September 19. September 19 को दोस्तों हम इसको मनाते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. When is the World Alzheimer's Day observed? इनमें से किस तारीख को आपका World Alzheimer's Day जो है उसको दोस्तों हम ऑब्जर्व करते हैं. When is that particular day observed, guys? ये किस दिन आपका ऑब्जर्व होता है? तो ये आपका दोस्तों जो ऑब्जर्व होता है, that is observed, guys, on September 21. September 21 को इसको दोस्तों हम ऑब्जर्व करते हैं. बाकी September 21 को हम नेशनल डे ऑफ पीस को भी दोस्तों जो हैं आपके ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, 19 को आपका रेड पांडा डे मनाया जाता है. चलिए तो गाइज, अगर आपका स्कोर 15-15 है, अगर आपका स्कोर 15-15 है, इसका मतलब है आप क्या हो? आप हो चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस. ठीक है, अगर आपका स्कोर 14-15 है तो आप दोस्तों हो सेरेना विलियम्स. अगर आपका स्कोर 13-15 है तो आप दोस्तों हो रॉजर फेडरर. अगर आपका स्कोर दोस्तों 12-15 है तो आप हो नोवाक जोकोविक या रफाल नडाल. अगर आपका स्कोर 8-11 के बीच है तो बेटा अभी आप क्या हो? अभी आप डोमिनिक थियम हो, अभी आप नए प्लेयर हो, आप अच्छा कर रहे हो पर बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो. अगर आपका स्कोर 5-5 है बेटा तो आप जानते क्या हो? आप दोस्तों हो, आप तो प्लेयर नहीं हो, आप अनफिट हो. ठीक है, हाँ, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको इनमें से क्या बनना है. ठीक है, सो गाइस जिन्होंने देखो यहाँ पर आ रहा है वंदना त्रिपाठी का कि कल से ही उन्होंने कंटिन्यू किया है और आज उनका स्कोर 14-15 में. सो कंग्रेचुलेशंस वंदना, आप और लोग को प्रमोट करो, दैट दिस शुड बी डन. उज्जवल चक्रवर्ती, आप रेगुलर नहीं आओगे तो काम नहीं चलेगा. ठीक है, चलिए आते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर, आते हैं हमारे आज के हेडलाइंस पे. गाइस एक बार जरा कमेंट कर दीजिएगा, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वी आर रेडी, जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइस. ओके, लेट्स कम बैक. चलिए तो शुरू करते हैं गाइस. हाँ, आपको हिंदी मिलेगा नीतू सिंह जी, हिंदी में आपको मिलेगा, परेशान ना होइए. चलिए तो शुरू कर लेते हैं गाइस. ओके, लेट्स स्टार्ट गाइस. ओके, हाँ, लोकसभा हैज पास्ड द जम्मू एंड कश्मीर, लोकसभा गाइस हैज पास्ड द जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल. जो लोकसभा है उसने दोस्तों जो है वो पास किया है दी जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल. इसको उन्होंने दोस्तों पास किया है. इस बिल में कहा गया है कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, दीज विल बी दी ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर. ऑलरेडी इंग्लिश, उर्दू था इसमें, अब ये तीन लैंग्वेजेस को आपका दोस्तों जो है वो ऐड किया जाएगा. एक बार ज़रा कमेंट कर दीजिएगा कौन सी लैंग्वेजेस हैं आपकी. कश्मीरी, डोगरी एंड हिंदी, इन तीनों को आपका दोस्तों ऐड किया जाएगा इन दी ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल, जो कि अब एक आपका लॉ आपका लोकसभा ने बना दिया है. आइए जरा जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर लेते हैं. द कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर गाइस इज श्रीनगर. द अदर कैपिटल इज जम्मू. लेफ्टिनेंट गवर्नर इज मिस्टर मनोज सिन्हा. इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में उर्स है, ट्यूलिप फेस्टिवल है. डांस में आपका कुद है, दुमहल है, रऊफ है. रिवर्स में आपका चेनाब, इंडस, मरसुदर है. डैम में बगलीहार, दुलहस्ती, किशन गंगा, पकल दूल है. लेक्स में दाल, गदसर, वूलर, कृष्णासार और मनसबल है. नेशनल पार्क्स में डचीगम, सलीम अली, काजीनाग एंड किश्तवर है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आपका गुलमर्ग और लिम्बर है. साइट्स में आपका दोस्तों अमरनाथ, शालीमार बाग, वैष्णो देवी है. एयरपोर्ट्स में आपका शेख उल आलम एयरपोर्ट श्रीनगर में है और जम्मू एयरपोर्ट है. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में बगलीहार, चेनानी, चुटक और दुलहस्ती है. और जी आई टैग यहाँ पर जो लेटेस्ट दिया गया है उसका नाम है आपका कश्मीरी सैफरन. कतरा कतरा क्लियर हो गया, एक बार अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं. जी के 20 सेशन हम आपके अगले हफ्ते से कराएंगे, परेशान ना होइए. चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट हेडलाइन पर. श्रीलंकन गवर्नमेंट ने दोस्तों
आपका जो है उसने टेबल किया है 20th अमेंडमेंट इन द पार्लियामेंट। वहाँ के जो न्याय मंत्री हैं अली साबरी साहब, उन्होंने मंगलवार को ट्यूसडे को ही हैड प्रेजेंटेड दी कॉन्ट्रोवर्शियल 20th अमेंडमेंट। अब सवाल ये आता है ये अमेंडमेंट है क्या। बेसिकली दिस अमेंडमेंट विल एम्पावर द प्रेसिडेंट, ये आपका जो अमेंडमेंट है वो राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाएगा। इस अमेंडमेंट से उनको, प्रेसिडेंट को आपका मिल जाएगा फुल लीगल इम्यूनिटी, उन्हें कानूनी कार्रवाई जो है उनके खिलाफ अब आपकी नहीं हो पाएगी, ये प्रावधान आपका हट जाएगा। दिस पर्टिकुलर पावर वॉज टेकन ओवर फ्रॉम द प्रेसिडेंट बाय द अमेंडमेंट 19A। इस 19 अमेंडमेंट से ये जो एक लीगल इम्यूनिटी है ये राष्ट्रपति के पास नहीं थी, पर अब 19A को चेंज किया जाएगा और इसकी जगह 20th अमेंडमेंट लाया जाएगा, जिससे प्रेसिडेंट को कंप्लीट पावर्स आपकी प्रोवाइड कर दी जाएगी। याद रहेगा आपको गाइस, तो 19A अमेंडमेंट को स्क्रैप करने के लिए, 19 अमेंडमेंट को स्क्रैप करने के लिए आपका ये 20th अमेंडमेंट जो है उसे दोस्तों लाया जा रहा है। समझ में आ गया सबको, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैलेस्टीनियंस जो हैं, जो आपका अगर मान लो ये आपका इज़राइल है, ठीक है, तो इसके इस साइड आपके जो हैं ये पैलेस्टीनियंस हैं और इनके बीच कॉन्स्टेंट आपका वॉर चलता रहता है। तो पैलेस्टीनियन फॉरेन मिनिस्टर रियाद अल मालिकी has announced that he is resigning as the rotating presidency of the Council of Arab League. Arab League की जो council है उसका जो rotating presidency है उसके पद से इस्तीफा दिया है Palestinian Foreign Minister Riyad Al Maliki ने, ठीक है। उसका reason ये है because countries like Bahrain and UAE they have now agreement with Israel. Countries like Kuwait or Saudi Arabia, they are interested. So Palestinians are feeling cheated. उनको लग रहा है हमारे साथ गलत हुआ, छुरा भोग दिया छाती में। For them, basically what they are feeling is that something has been done wrong. इस वजह से दोस्तों ये important है and इसलिए उन्होंने जो presidency है उससे अपने आप को दोस्तों जो है वो अलग कर दिया है। अब यहाँ पर एक question आएगा कि सर ये Arab League होता क्या है, तो आइए ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने अरब लीग, ये आपका देख सकते हैं, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा एशिया है, एशिया का कुछ हिस्सा इसमें आता है और कुछ हिस्सा आपका वेस्टर्न, कुछ हिस्सा आपका सेंट्रल अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका और आपका वेस्टर्न अफ्रीका का भी दोस्तों यहाँ पर आता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसका लोकेशन है आपका अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया। ऑलराइट, इट वॉज फॉर्म्ड इन कायरो इजिप्ट ऑन 22 मार्च 1945 और इसके इनिशियली आपके 6 मेंबर्स थे, पर अब आप इसके आपके 22 आपके मेंबर्स हैं। इसका सेक्रेटेरिएट के जो हेड हैं उनका नाम है अहमद अबुल गीत। इसका प्रेसिडेंट इस समय है आपका सूडान। ऑब्जर्वर्स जो हैं वो आपके 4 हैं, आपके 5 हैं, आर्मेनिया, इरीत्रिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील, इंडिया। अब सवाल आएगा ऑब्जर्वर्स होते क्या हैं। ऑब्जर्वर्स आर कंट्रीज विच आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन समिट जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के लिए इनको अलाउ किया जाता है कि उस समिट में आके इसका हिस्सा बन जाए। तो इसका इंडिया, आर्मेनिया, इरीत्रिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील मेंबर है और लेटेस्ट समिट आपका पिछले साल हुआ था जो कि ट्यूनिशिया में आपका आयोजित किया गया था। याद रहेगा सबको, कमेंट कर दीजिएगा यस सर यस सर यस सर यस सर, हमें याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। अबू धाबी हैज़ अबॉलिश द यूज़ ऑफ परमिट्स फॉर परचेजिंग ऑफ अल्कोहल। अब खुलेआम आप बिना परमिट के वहाँ पर अल्कोहल को, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मदिरा पान, ठीक है, हाँ पता नहीं आप लोग क्या कहते हो पर हिंदी में मैं तो कहता हूँ मदिरा पान। तो मदिरा पान जो है, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ भाई, ठीक है, तो मदिरा पान जो है या जो अल्कोहल है उसकी परचेज और कंजम्पशन के लिए अब अबू धाबी में परमिट आपका नहीं लगेगा। अबू धाबी गाइस इज़ द कैपिटल ऑफ यूएई। आइए ज़रा यूएई की बात कर लेते हैं, ये रहा आपके सामने यूएई के बारे में। यूएई आपके सामने है, यूएई आपका बना है करीब 7 अमीरात से मिलकर, जिसमें आपका अबू धाबी है, जिसमें आपका शारजा है, जिसमें आपका अल कवान है, रस अल कामय है, शाम ए दायन है। तो करीब 7 अमीरात से मिलकर आपका दोस्तों ये बना है एंड ये रहा आपके सामने। इसका लोकेशन जो है वो वेस्टर्न एशिया में है, ठीक है। इसके नेबर्स हैं सऊदी अरेबिया, कतार, ओमान। कॉम्पोजिशन में इट इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ 7 एमिराट्स कंसिस्टिंग ऑफ अबू धाबी विच इज़ द कैपिटल, अजमान, दुबई,
फुजायरा, रस अल खाइमा, शारजा एंड उमा अल क्वैन, इन सात से मिलकर आपका बना। इसीलिए इसका जो नाम है, इसका नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। UAE इज़ अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, अरब लीग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, नॉन अलाइन मूवमेंट और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। आई लगे रिपीट, अरब लीग का मेंबर है, UN का मेंबर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का मेंबर है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मेंबर है, नॉन अलाइन मूवमेंट का मेंबर है और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का भी आपका मेंबर है। इसका लार्जेस्ट सिटी आपका जो है दैट इज़ दुबई। इसके प्रेसिडेंट हैं आपके खलीफा बिन जायद अल नहयान। लेजिस्लेचर इसका है फेडरल नेशनल काउंसिल और करेंसी यहाँ की जो है दोस्तों आपकी दिरहम यहाँ पर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि UAE में ही आपका IPL हो रहा है। UAE हैज़ लॉन्च्ड होप मिशन विच इज़ द फर्स्ट मिशन बाय अरब कंट्री टू मार्स। सेकेंड, उन्होंने बराक न्यूक्लियर प्लांट बनाया है विच इज़ ऑल्सो द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द अरब वर्ल्ड। तो कई सारे ये पहली बार ये काम आपके जो है वो कर रहा है। इसका नाम, इस देश का नाम जो है वो आपका है दोस्तों UAE। आगे बढ़ते हैं। द RBI गाइज हैज अपॉइंटेड अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटर इन द स्कैम हिट पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। PMC ने बनाया है नया एडमिनिस्ट्रेटर PMC बैंक के अंदर। ऑलराइट, और जी उन्होंने बनाया है इसको, उनका नाम है मिस्टर दीक्षित। ये बने हैं PNB के PMC के दोस्तों आपके नए एडमिनिस्ट्रेटर। ये बोरा साहब को रिप्लेस करेंगे और ये बनेंगे नए आपके हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। एंड गाइज, PMC जो है बेसिकली ये कंट्रोवर्सी में है बिकॉज इट हैज़ बीन सब्जुकेटेड टू फ्रॉड। कई बड़े फ्रॉड मामले आपके इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के, आपके इस पर्टिकुलर बैंक के आपके आए हैं। तो आइए ज़रा जान लेते हैं व्हाट इज़ दिस एंटायर इशू। PMC स्टैंड्स फॉर पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इज अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। मतलब ये CRR SLR मेंटेन करेगा, ये मैं डिस्कस करूँगा बैचेस में हमारे। बेसिकली दिस बैंक वॉज सेटअप ऑन February 13, 1984। द रीज़न वाई ये न्यूज़ में है बिकॉज इसने कई बड़े लोन्स दिए थे टू HDIL, दैट इज़ हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। उसको इसने करीब बहुत सारे लोन दिए थे। 70% जो आपका लोन है फ्रॉम PNC बैंक वो सिर्फ इसको दिया गया था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म किया गया है, कहीं ना कहीं फ्रॉड किया गया है। और ये कहा गया कि अराउंड 21,049 बैंक अकाउंट जो हैं उनको ओपन किया गया था ताकि 44 लोन अकाउंट्स को वो कंसील कर सके, उसको वो छुपा सके। इस वजह से आपका पूरा मुद्दा है कि उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में लोन दिया है टू HDIL, ठीक है, उसको बड़ी मात्रा में उन्होंने लोन दिया है, जिस वजह से आपका दोस्तों जो है ये न्यूज़ में है। बिकॉज वो सारा लोन जो आपका है वो आपका NPA बन गया है। क्या बन गया है दोस्तों? वो आपका दोस्तों NPA बन गया है। इस वजह से ये आपका इंटरेस्टिंग है, याद रहेगा आपको। आई लगे रिपीट गाइस, PMC बैंक इज़ न्यूज़ बिकॉज कई सारे फ्रॉड के मामले इसमें आए हैं, स्पेशली इट्स लोन गिवन टू दी HDIL। और अब इसमें जो मैक्सिमम आपका एक विड्रॉल भी है वो करीब 50,000 रुपये का है। तो ये इसका एक रीज़न है। NPA का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग असेट। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसका हिंदी भी मैंने आपको दोस्तों दे दिया है। द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन दैट इज डोनर लेड बाय जितेंद्र सिंह, दिस मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग द डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, जिसके लिए इसने लोगो और सॉन्ग आपका कल लॉन्च किया है। दिस टाइम अराउंड इट विल बी अ वर्चुअल फेस्टिवल। पिछले साल आपका ये हुआ था बनारसी में, काशी में, बनारस में हुआ था। इस साल आपका ये क्या होगा? वर्चुअल होगा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, बेसिकली ये जो 8 आपके स्टेट्स हैं उनके लिए कहा गया है। इसमें आपके 7 सिस्टर स्टेट्स हैं और आपका 8वां सिक्किम है। इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, बाय नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, बाय नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑल्सो बाय द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इन्होंने मिलकर इसको इस ऑर्गेनाइज किया है। इसका फोकस है आपका इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस, ये इसका इस साल का फोकस रखा गया है। और पिछले साल आपका ये बनारस में या काशी में आपका किया गया था, याद रहेगा सबको। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया बेस्ड न्यूट्रीनो ऑब्जर्वेटरी विल बी सेटअप एट द बोधी वेस्ट हिल्स इन तेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। इसको लिख लीजिएगा, जो तेनी डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, जो कि 110 किलोमीटर आपका दूर है फ्रॉम मदुरई, यहाँ पर आपका बनेगा इंडिया बेस्ड न्यूट्रीनो ऑब्जर्वेटरी। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनेगा, सर व्हाट इज़ अ न्यूट्रीनो? देखिए,
न्यूट्रिनो बेसिकली वॉज डिस्कवर्ड इन 59. न्यूट्रिनो बेसिकली इज अ सब अटोमिक पार्टिकल जिसमें ना तो कोई चार्ज होता है और ना ही कोई मास होता है. दुनिया में, वर्ल्ड में, यूनिवर्स में इट इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल इन द वर्ल्ड. सॉरी अर्थ पे ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल है फोटॉन्स के बाद. कैसे बनता है ये? जब कॉस्मिक रेज, आपकी ये जो कॉस्मिक रेज हैं, जब ये कॉस्मिक रेज आपकी हिट करती हैं एटम्स को, तो आपका क्या बनता है? तो आपका न्यूट्रिनोज बनता है. तो भारत का जो इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है वो आपका बनेगा तमिलनाडु में. स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. बेसिकली इट विल बी मेड फॉर रिसर्च इन हाई एनर्जी एज वेल एज न्यूक्लियर फिजिक्स. इसका प्रपोजल दिया था नेशनल न्यूट्रिनो कोलैबोरेशन ग्रुप ने. इसकी फंडिंग की गई है बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने. कंस्ट्रक्शन इसका करेगा, इस यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगा आपका आयरन कैलोरी मीटर का, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नेट होगा जिसके जरिए हम रिसर्च करेंगे न्यूट्रिनोस पर. और इसको सेटअप करेगा इंस्टीट्यूशनल सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स एट मदुरई. ये इस पर्टिकुलर सेंटर को आपका जो आपकी जगह है बोधी वेस्ट हिल्स में, तेनी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर ये जो आपका इंस्टीट्यूशनल सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स है ये वहाँ पर आपका सेटअप करेगा. कतरा कतरा समझ में आ गया? ज़रा आपसे सवाल पूछ लेता हूँ मैं. सवाल मेरा पहला है, कौन से स्टेट में सेटअप किया जाएगा? क्वेश्चन वन. क्वेश्चन टू, न्यूट्रिनोज को डिस्कवर पहली बार कब किया गया? क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर थ्री, इसको सेटअप कौन करेगा? दैट इज़ क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर फोर, इसका प्रपोजल किसने दिया था? ये चार सवाल प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो देखिए, पहले का आंसर है आपका तमिलनाडु, सेकेंड का आंसर जो है वो आपका 59, थर्ड का आंसर जो है सेटअप किया जाएगा बाय इंस्टीट्यूशनल सेंटर फॉर हाई एनर्जी फिजिक्स, और प्रपोजल दिया गया है बाय द नेशनल न्यूट्रिनो कोलैबोरेशन. याद रहेगा सबको, क्या बात है. आगे बढ़ते हैं. द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस का जो एक स्कीम है आपका ओ स्मार्ट, इसका फुल फॉर्म है ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी स्कीम. इस स्कीम को अप्रूवल दिया गया है, जो कि देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, बाय द यूनियन कैबिनेट. इसको अप्रूवल अब सरकार से आपका मिल गया है और स्कीम का नाम है आपका दी ओ स्मार्ट स्कीम. अब क्वेश्चन बनता है, ये ओ स्मार्ट स्कीम होता क्या है? स्क्रीन पर आप देख सकते हैं. बेसिकली स्कीम का एम है टू प्रोवाइड ओशन रिसर्च अर्ली वार्निंग विद सिस्टम, जिसका एम है कि कैसे हम ओशन पे रिसर्च बेहतर कर सकें. और इसका सेकेंड फोकस है कैसे हम वार्निंग वेदर वार्निंग सिस्टम्स को लॉन्च कर सकें. इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इट विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट मरीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट विल मॉनिटर सी वाटर पोल्यूटेंट्स, ओशन ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स को ये डेवलप करेगा, यूजर ओरिएंटेड ओशन इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा और ओशन फोरकास्टिंग को भी आपका ये प्रोवाइड करेगा. तो ओ स्मार्ट सिस्टम को कैबिनेट ने अप्रूवल आपका दोस्तों जो है वो आपका दे दिया है, ठीक है? इस बात को याद रखिएगा. हर चीज़ का वैष्णवी जी समय होता है, कभी भूले बिसरे था, फिर कभी अंकल जी था, जय अंकल जी था, अभी कुछ नया है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं. इसका फुल फॉर्म देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी समिट. यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है गाइस? एक बार ज़रा कमेंट कर दीजिएगा यस सर, 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 हमें समझ में आ रहा है. चल आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पर. एक ड्रैगन है आपका, उसका नाम है कोमोडो ड्रैगन. और अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी बाय ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज, इट हैज बीन फाउंड दैट कोमोडो ड्रैगन कुड बिकम एक्सटिंक्ट इन द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसा उम्मीद है कि कोमोडो ड्रैगन जो है वो आपका विलुप्त हो जाएगा. अगर हम इस ड्रैगन की बात करें गाइस, तो बेसिकली ये ड्रैगन आपका जो है ये पाया जाता है इन द कंट्री ऑफ इंडोनेशिया. इंडोनेशिया का आपका सुंडा आइलैंड है जहाँ पर इसको पाया जाता है. इसका साइंटिफिक नाम है वेरानस कोमोडोनेसिस. कोमोडो ड्रैगन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे हैवी लिजर्ड है. बेसिकली मैक्सिमम जो ये पाया जाता है वो आपका कोमोडो नेशनल पार्क में पाया जाता है, विच इज़ ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ओवरऑल दुनिया में आपके 2,087 आपके ड्रैगन्स हैं, आपके कोमोडो ड्रैगन्स हैं, जिनमें 1,727 ड्रैगन्स आपके जो हैं वो कोमोडो आइलैंड पे हैं. उसके अलावा 1,049 आइलैंड्स आप ड्रैगन्स आपके रिंका आइलैंड पे हैं.
और बाकी जगह आपके बटे हुए हैं 57, 58, 6। तो अकॉर्डिंग टू द ऑस्टिन यूनिवर्सिटी ऐसा हो सकता है कि आपका जो ये ड्रैगन है वो विलुप्त हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए इन द कमिंग डेज टू कम, ऐसा भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। 8 राज्यसभा MPs गाइस वर सस्पेंडेड फॉर अनरूली बिहेवियर इन द हाउस। 8 राज्यसभा MPs को उनके उनके बेकार, उनके अयोग्य व्यवहार के लिए उन्हें सस्पेंड किया गया है। अब आइए जानते हैं इस सस्पेंशन को कैसे किया जाता है। ये रहा आपके सामने रूल नंबर 373 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस कहता है कि द स्पीकर इन द लोकसभा कैन डायरेक्ट मेंबर्स ऑफ द लोकसभा टू विदड्रॉ इमीडिएटली फ्रॉम द हाउस फॉर द रिमेंडर ऑफ द डे सिटिंग। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर स्पीकर चाहे तो उस दिन के रिमेनिंग प्रोसीडिंग्स के लिए वो किसी भी मेंबर को बर्खास्त कर सकता है। देन वी हैव रूल 374 में मेंबर विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द हाउस फॉर द रिमेंडर सेशन। मतलब पूरे सेशन में, सिर्फ उस दिन की बात नहीं है, जो आने वाले सेशन का पूरा दिन है उन सब के लिए उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। नंबर टू। नंबर थ्री रूल 374A ऑटोमेटिक सस्पेंशन। इस सस्पेंशन में आपका 5 कॉन्सिक्यूटिव हियरिंग्स के पे सस्पेंड किया जाएगा या रिमेंडर सेशन के लिए किया जाएगा, जो दोनों में से जो कम होगा वो माना जाएगा। तो देखिए 3 रूल्स हैं आपके। पहला रूल है आपका 373, जहाँ पर होता है स्कूल में जाते हो आप, आपको मिला एक दिन का सस्पेंशन, मतलब एक दिन के लिए आप नहीं आओगे स्कूल। सेकेंड है 374, जहाँ पर पूरे सेमेस्टर के लिए आप चोरी पकड़ी गई, आप चीटी पकड़ी गई, आपको एक साल का बैक लगा दिया गया, इसका मतलब है एक साल आप नहीं आएंगे, तो यू आर सस्पेंडेड फॉर द रिमेंडर सेशन। देन वी हैव रूल 374A, जहाँ पर ईदर यू आर सस्पेंडेड फॉर 5 सेशंस और फॉर द रिमेंडर सेशन, जो उनमें से कम होगा। अगर 5 सेशंस कम होगा तो 5 करा जाएगा, और अगर सस्पेंड, अगर आपका सेशन ही में ही आपके 4 बचे हैं तो 4 के लिए आपको सस्पेंड किया जाएगा। पर ये तीनों ही चीज़ें आपके जो रूल्स हैं ये लोकसभा के हैं। राज्यसभा में जो रूल का नाम है वो है 255, पर यहाँ पर जो स्पीकर है राज्यसभा का वो सस्पेंड आपका नहीं कर सकता है, उसके लिए सरकार का दखल या वाइस प्रेसिडेंट का दखल होना चाहिए। पर हाँ, लोकसभा में आपका सस्पेंशन ऐसे हो सकता है। याद लगा सबको, समझ में आ गया सबको, कमेंट कर दीजिएगा यस सर, यस सर, यस सर, हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। शिपिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनसुख मांडविया एंड मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सिविल एविएशन ऑफ मालदीव्स हैव डेवलप्ड अ डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। भारत मालदीव्स के बीच ये आपकी सर्विस है जो कि स्टार्ट होगी, आपकी जो कि आपकी ट्रैवल करेगी टू टूटिकोरिन एज वेल एज कोचिन पोर्ट इन इंडिया एंड ऑल्सो इट विल ट्रैवल टू माले एज वेल एज कुल्हुडुन सुफुशी पोर्ट इन मालदीव्स। तो ओवरऑल 4 पोर्ट्स को आपको एक कार्गो फेरी जो सर्विस प्रोवाइड करेगी। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है इस प्रोजेक्ट को ऑफ $3 million की, और इंडिया में जो इसको मैनेज करेगा इस प्रोजेक्ट को, उसका नाम है द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इसको दोस्तों इंडिया में आपका मैनेज करेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए रेलिवेंट है। रूल से ही बाहर निकाला गया है, उसके लिए परमिशन ली गई है वॉइस बोर्ड से, और उस वॉइस बोर्ड से उन्हें बाहर निकाला गया है। समझ में आ गया आपको गाइस। तो इंडिया मालदीव्स का अग्रीमेंट हुआ है फॉर डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस, जिसमें तमिलनाडु स्टेट इन्वॉल्व है, केरला इन्वॉल्व है विद मालदीव्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एयरबस विल लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन कमर्शियल एयरक्राफ्ट बाय 2035। इसके लिए उसने 3 कंसेप्ट्स को फॉर्मली लॉन्च किया है, एंड दीज कंसेप्ट्स आर फोकस्ड ऑन फर्स्ट 0 एमिशन, और ये हाइड्रोजन बेस्ड आपके एयरक्राफ्ट हैं। तो 3 कंसेप्ट आपके एयरबस ने दिए हैं। एयरबस इज बेसिकली विल लॉन्चिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन कमर्शियल एयरक्राफ्ट। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपके सामने। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम है बाय द ऑनरेबल एयरबस इज 0E। इसके डिज़ाइन 3 टाइप के हैं, 3 कंसेप्ट हैं। पहला है टर्बो फैन, जिसमें द मैक्सिमम पैसेंजर दैट कैन सिट गाइज आर 120 to 200, द मैक्सिमम स्पीड गाइज इज 2000 nautical miles per hour। ब्लेंडेड विंग बॉडी में आपका 200 लोग रह सकते हैं, और यहाँ पर जो मेन बॉडी है उसके साथ विंग्स आपकी मर्ज हो जाएगी। तीसरा आपका है टर्बो ड्रॉप डिज़ाइन, जो 200 लोग को अकोमोडेट कर सकता है, जिसमें जो स्पीड आपकी होगी दैट विल बी 1000 nautical miles। तो इट इज़ अप टू नाउ द एयर टू डिसाइड कि इन 3 स्कीम्स में से वो कौन सा कंसेप्ट को फॉलो करेगा फॉर इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन कमर्शियल एयरक्राफ्ट। रिसेंटली गाइस, दुनिया का सबसे बड़ा जो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट सेंटर है वो आपका फुकुशिमा जापान में है, और इस वजह से भी फुकुशिमा आपका दोस्तों जो है वो न्यूज़ में है कि सबसे बड़ा जो हाइड्रोजन सेंटर है गैस का वो आपका जापान के अंदर है।
गाइज यहाँ तक कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना आप लोग? आप लोग को समझ में आ रहा है ना? एक बार जरा फटाफट, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं शेयर किया है, फटाफट शेयर कर दीजिएगा वीडियो को विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, फटाफट शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 22nd सितंबर इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड राइनो डे बाय द वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ फॉर नेचर। 22 सितंबर को आपको ऑब्जर्व किया गया है वर्ल्ड राइनो डे, और इसको WWF जिसके एम्बेसडर हैं आपके इंडिया में मिस्टर विश्वास आनंद, उन्होंने इसको दोस्तों ऑब्जर्व किया है। अगर हम राइनोज की बात करें तो ये डे आपको मनाया जाता है 2010 से। द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर डे गाइस इज 5 राइनोज स्पीशीज फॉर एवर। 5 स्पीशीज हैं राइनोज की आपकी, जावन राइनोज, सुमात्रन राइनोज, ब्लैक राइनोज, वाइट राइनोज, ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज, ये सारे आपके 5 स्पीशीज हैं। इनको कंजर्व करने के लिए इस बार थीम रखा गया है। इंडिया में जो वन हॉर्न राइनो है वो पाया जाता है असम में, वेस्ट बंगाल में, यूपी में, और इंडिया ने नेपाल के साथ मिलकर 2000 अभी हाल ही में दे हैव ऑल्सो डन अ नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी। इंडिया के अंदर जो आपके राइनोज हैं उनका नंबर है 293, इतने राइनोज इंडिया में आपके पाए जाते हैं। 2005 में राइनो विजन इंडिया में लॉन्च हुआ था, और इसका मेन कंसेप्ट था कि कैसे हम 3000 राइनोज तक पहुँचें बाय 2020। तो काफ़ी हद तक हम 3000 राइनोज तक दोस्तों आपका पहुंच गए हैं, एंड दैट इज़ डन अंडर दी राइनो विजन ऑफ इंडिया 2020। उसके तहत इतने राइनोज तक हम दोस्तों जो हैं वो पहुंच गए हैं। आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट ने पास किया है दी ट्रिपल आईटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2020। इस अमेंडमेंट के पास होने से जो आपके 5 ट्रिपल आईटीज हैं, दीज विल बी गिवन टैक्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस। इनके नाम है IIT भोपाल, IIIT अगरतला, IIIT सूरत, IIIT भागलपुर, IIIT रायचूर। ये 5 ऐसे आपके ट्रिपल आईटीज हैं जिन्हें दोस्तों सरकार ने जिनका बिल पास किया गया है, और ये अब आपके इंस्टीट्यूशन और नेशनल इंपॉर्टेंस है। अब सवाल ये आता है इससे पहले कौन कौन थे। इससे पहले ऑलरेडी आपके इसमें 20 ट्रिपल आईटीज ऑलरेडी हैं। अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन को हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन नेशनल इंपॉर्टेंस, देन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन गाइज हैज़ द पावर टू गिव डिग्रीज एज वेल एज कैटेगराइज देम एज UG, PG, BTech, MTech एंड PhD। अगर किसी के पास आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग है, तो ऐसा संगठन आपका जो होगा उसको दोस्तों PG, BTech, UG, MTech, PhD देने का हक होगा। IIIT का फुल फॉर्म है इसका फुल फॉर्म क्या है गाइस, मेरे को बताएगा क्या फुल फॉर्म है इसका? इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपके पहले 20 थे इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंस। अब आपके दोस्तों कितने हो गए हैं? 25 आपके अब हो गए हैं। समझ में आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने प्लान किया है टू सेट अ टारगेट ऑफ जनरेटिंग 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022। इस टारगेट में आपका हाइड्रोजन का टारगेट नहीं था, अब इसको ऐड किया गया है। नाउ भारत ने कहा है कि इन दिस पर्टिकुलर टारगेट गाइज 100 वाट्स विल बी गिवन बाय सोलर पार्क, 60 वाट्स विल बी गिवन बाय विंड एनर्जी, 10 गीगावाट्स विल बी गिवन बाय बायोफ्यूल्स, एंड 5 गीगावाट्स आपका दिया जाएगा फ्रॉम प्रोजेक्ट्स फ्रॉम हाइड्रोजन। तो ओवरऑल आपका जो टोटल एक टारगेट है दैट इज 170 गीगावाट, जिसमें कि अब आपका हाइड्रोजन को भी आपका ऐड कर दिया गया है। इस बात को याद रखिएगा, ये काफ़ी रेलिवेंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली NTPC को अलाउ किया गया है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस स्टार्ट करे, तो उसने इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक कार्स के लिए अपना जो अग्रीमेंट है उसको ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो कूडोस आपका NTPC, एंड ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो NTPC ने दोस्तों आपका लिया है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है घर तक फाइबर स्कीम बिहार में, और इस स्कीम के तहत ऑप्टिकल फाइबर के जरिए ब्रॉडबैंड दिया जाएगा हर किसी को। इसके लिए जो टोटल कनेक्शन विलेजेस हैं उनके नाम नंबर है 45945 विलेजेस, और ये स्कीम आपका इंश्योर करती है कि इट रीचेज डिजिटल कनेक्टिविटी टू एवरीवन अंडर द भारत नेट प्रोग्राम। तो भारत के अंतर्गत ये घर तक फाइबर स्कीम इंश्योर करेगी कि हर किसी के पास कम से कम ब्रॉडबैंड का इंटरनेट तो प्रोवाइड हो जाए। ये अपडेट मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों आपके आज के होमवर्क पे। ये आपका आज का दोस्तों जो है वो आपका होमवर्क है। सवाल पहला है आपके सामने स्क्रीन पर, विच स्टेट UT सेट टू रीस्टार्ट इट्स स्टार्ट वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन फॉर सेप्टेम्बर 2020। द फर्स्ट रोरो सर्विस ऑफ विच सेक्शन ऑफ इंडियन रेलवे वाज फ्लैग्ड ऑफ। थर्ड क्वेश्चन, विच बॉडी हैज डायरेक्टेड बैंक्स टू रिफंड चार्जेस कलेक्टेड बाय देम ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन आफ्टर 2012। फोर्थ क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन नेम्ड होम उत्सव। क्वेश्चन 5, विच कंट्री हैज amended its labor laws and
एंड रेज्ड इट टू द मिनिमम वेज ऑफ लेबरर्स बाय 25%. तो ये पांच क्वेश्चंस आपको दोस्तों आंसर करने हैं. इसको आपको क्या करना है, इसको आपको मेरे को मेल करना है इस आईडी पे. ये आईडी मेरी है, इसको नोट कर लीजिएगा. इस आईडी पे आपको मेल के साथ अपनी इमेज को भी पेस्ट करना है. इसका आंसर हम कल आपको देंगे. और साथ ही साथ आपको फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है जीके टोल्ड बाय यशी. इस चैनल का लिंक भी मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी दोस्तों जो है वो दे दिया है. सेशन कैसा लगा गाइस, अगर मज़ा आया एक बार ज़रा कमेंट कर दीजिएगा यस सर यस सर यस सर. एंड गाइस जो लोग ऐप पे देख रहे हैं, प्लीज़ इसे रिक्वेस्ट, मेरे को 5 स्टार से कम मत दीजिएगा, मेरे को 5 स्टार से कम मत दीजिएगा, ठीक है. तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग. आई मीट यू अगेन नाउ टुमारो. एंड बाय गाइस, टेक केयर, प्रेप स्मार्ट, गो बेटर एंड गो ग्रेट गाइस. थैंक यू सो मच.